हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इंग्लिश विद फारा में। और ऑफ कोर्स मैं फारा नहीं हूँ, मैं उनका हस्बैंड हूँ। और आज मैं उनकी उनके बदले आज मैं क्लास ले रहा हूँ। वो बहुत दिनों से मुझे कह रही थी वीडियो बनाने, और वो अपने यूट्यूब चैनल पे उसे अपलोड करना चाह रही थी। बट मेरा फील्ड इंग्लिश का नहीं है, मैं उनके जैसा एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। मैं एक प्रोफेशनल साइंटिस्ट हूँ और उनके जैसा इंग्लिश में मेरी महारत नहीं है। बट मैं आज कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ कुछ इंग्लिश के वर्ड शेयर करूं, इंग्लिश सेंटेंस शेयर करूं। अगर आप लोगों ने को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं इस वीडियो को आगे कंटिन्यू भी करूंगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं छोटे सेंटेंसेस से, दो और तीन शब्दों के सेंटेंसेस से। टू थ्री वर्ड्स के जो सेंटेंसेस होते हैं वो सीखने में भी आसानी होती है, याद रखने में भी आसानी होती है, और उससे आप बच्चों को भी ईजिली समझा सकते हैं और सिखा सकते हैं। और आज का जो वीडियो है वो ख़ास तौर पे ऐसे लोगों के लिए, ऐसे पर्सन्स के लिए है जो ट्यूशन पढ़ाते हैं या कोचिंग पढ़ाते हैं या स्कूल में टीचर हैं, और बल्कि यहाँ तक कि अगर आप अपने घर पे भी अपने बच्चों से इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो इन सेंटेंसेस को सीख के आप एक अच्छा इंप्रेशन दे सकते हैं अपने 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 स्कूल के अदर टीचर्स पर, प्रिंसिपल्स पर, या अपने बच्चों के साथ भी आप एक अच्छा इम्प्रेशन बना सकते हैं अपनी इंग्लिश के साथ। और तो हम आज स्टार्ट करते हैं। जो आज का पहला वर्ड है वो है रीड एंड राइट। इसका हिंदी होता है लिखो और पढ़ो। तो रीड एंड राइट का मतलब होता है जब आप बच्चे को आप क्लास में ले रहे हैं या घर पे भी आप क्लास बच्चों की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप बच्चों को कहते हैं कि पढ़ो और लिखो, यानी इसे एक बार पढ़ो फिर लिखो, ताकि उससे धीरे धीरे उनकी प्रैक्टिस होती जाए। दूसरा सेंटेंस है रेज योर हैंड। रेज योर हैंड मतलब हाथ ऊपर करो। जब हम क्लास में होते हैं या घर पे भी होते हैं, हम बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों दूध किसे पीना है, रेज योर हैंड, या क्लास में पूछते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर किसे पता है, रेज योर हैंड, तो हम लोग इसको इस सेंटेंस का इस्तेमाल या प्रयोग उस सिचुएशन में कर सकते हैं जब हम ऐसे सवाल पूछ रहे हों। तीसरा सेंटेंस है डोंट च्यू गम। इसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है च्यूइंग गम मत चबाओ। जब क्लास में बच्चे होते हैं या घर पे या ट्यूशन में कहीं भी, तो बच्चे च्यूइंग गम चबा रहे होते हैं या बबल गम चबा रहे होते हैं, उससे क्लास की डिसिप्लिन भी ख़राब होती है। तो वैसे सिचुएशन में हम बच्चों को कहते हैं डोंट च्यू गम। अगर बच्चे च्यूइंग गम की जगह कुछ और भी चबा रहे हो, जैसे चॉकलेट चबा रहे हो, तो हम कह सकते हैं डोंट च्यू चॉकलेट। तो इस तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल या यूज़ तब हम कर सकते हैं। चौथा सेंटेंस है क्लीन द बोर्ड। क्लीन द बोर्ड मतलब बोर्ड साफ करो। जैसे हमारा ये बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, इसको साफ करना। क्लीन वर्ड का जो यूज़ होता है वो बहुत जगह होता है, जैसे क्लीन द फ्लोर, क्लीन योर बेडशीट, क्लीन योर फेस। तो ये सभी जगह आप क्लीन वर्ड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं बोर्ड को क्लीन करने के लिए। अगला सेंटेंस है बी क्वाइट, चुप रहो। जब बच्चे बदमाशी करते हैं घर पे या स्कूल में, तो हम उनको कहते हैं चुप रहो, यानी कि बच्चे चुप रहें और पढ़ाई पे ध्यान दें। इसलिए हम बच्चों को आदेश देते हैं कि बी क्वाइट, यानी चुप रहो। बहुत लोग क्वाइट को क्यूट, क्विक ये भी प्रोनाउंस करते हैं, बट ये ध्यान रहे कि बी के साथ क्वाइट, यानी कि हम चुप रहने के लिए बोल रहे हैं, क्वाइट कह रहे हैं, क्यूट नहीं। अगला सेंटेंस है पे अटेंशन। पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना या ध्यान दो। तो हम बच्चों को कहते हैं इधर उधर की बात मत करो एंड पे अटेंशन, मतलब अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपनी बुक पे ध्यान दो। तो पे हम जैसे आम बोलचाल में भी हम पे का यूज़ करते हैं कि मुझे उसको पैसे पे करने हैं, मतलब मुझे उसको पैसे देने हैं, वैसे यहाँ भी है पे अटेंशन, अटेंशन देना है या अटेंशन दो। अगला सेंटेंस है ओपन योर बुक। ओपन योर बुक मतलब अपनी किताब खोलो। ये बहुत सिंपल सेंटेंस है। आप एक सीक्वेंस में आ रहे हैं, अब यहाँ पर आप बच्चों को कह रहे हैं ओपन योर बुक, अपनी किताब खोलो। अगला सेंटेंस है सिट डाउन। सिट डाउन का मतलब होता है बैठ जाओ। आप बैठ जाओ किसी को भी कह सकते हैं, बच्चे को भी, बड़े को भी, क्लास में भी, घर में भी, अपने हस्बैंड को भी, किसी को भी कह सकते हैं, अपनी वाइफ को, कि सिट डाउन, बैठ जाओ। यहाँ पे एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है, जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो हम कहते हैं सिट डाउन प्लीज़, क्योंकि इंग्लिश में हम थोड़ा पोलाइट होकर के बोलने की कोशिश करते हैं, और हिंदी में अगर हम किसी को बैठ जाओ बोलते हैं, ये खुद अपने आप में काफ़ी पोलाइट लगता है, काफ़ी सॉफ्ट लगता है। लेकिन जब इंग्लिश में बोलते हैं तो हमको बोलना होता है सिट डाउन प्लीज़ या प्लीज़ सिट डाउन। तो इसका ज़रूर ख्याल रखिए। अगला सेंटेंस है पुट द ट्रैश इन बिन। कचरा
कूड़ेदान में रखो या डालो। ये बच्चों के लिए, जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो साथ में हम उनको डिसिप्लिन भी सिखाते हैं या हाइजीन भी सिखाते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब यही है कि पुट द ट्रैश इन बिन, कचरा जो है वो कूड़ेदान में रखो। यहाँ बिन का मतलब है कूड़ेदान और ट्रैश का मतलब है कचरा। अगला सेंटेंस है प्रैक्टिस विथ योर फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ या दोस्त के साथ इसका अभ्यास करो या इसकी प्रैक्टिस करो। जब आप क्लास में होमवर्क देते हो या घर पे होमवर्क देते हो बच्चों को, तो आप चाहते हो कि बच्चा उसे बार बार करे, बार बार करे, ताकि उसको वो चीज़ याद रहे। तो उसके लिए हम उनको कहेंगे कि प्रैक्टिस विथ योर फ्रेंड, इसका अभ्यास अपने दोस्त के साथ करो ताकि वो आपको याद रह जाए। अगला सेंटेंस है डोंट जंप। जब बच्चे क्लास में होते हैं या घर पे होते हैं तो बच्चे उछल कूद मचा रहे होते हैं, इधर उधर भाग रहे होते हैं, शरारत कर रहे होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम बच्चों को क्या कहते हैं, डोंट जंप। यहाँ पे बच्चा कोई दीवार से नहीं कूद रहा होता, बल्कि सोफे पे कूद रहा होता है, फ्लोर पे कूद रहा होता है, ज़मीन पे कूद रहा होता है। तो हम बच्चों को कहते हैं डोंट जंप, उछल कूद मत मचाओ या उछल कूद मत करो। अगला सेंटेंस है आउट फ्रॉम द क्लास, क्लास से बाहर जाओ। जब बच्चा चुप नहीं हो रहा है, हम उसे चुप रहने के लिए कह रहे हैं, जंप नहीं करने के लिए कह रहे हैं, फिर भी वो बदमाशी करता है, तो हम उसको कहते हैं आउट फ्रॉम द क्लास, क्लास से बाहर जाओ। आउट का मतलब आउट है, मतलब बाहर जाना, फ्रॉम द क्लास, क्लास से बाहर जाओ। वैसे ही अगर आपको घर से बाहर जाने के लिए कहना है तो हम कहेंगे आउट फ्रॉम द होम, या हम कहेंगे आउट फ्रॉम द रूम। तो इसका हम यूज कहीं भी इस तरह से कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है क्लोज योर बुक, क्लोज योर बुक मतलब जब पढ़ाई आपने ख़त्म कर ली है, पूरी कर ली है, मुकम्मल कर ली है, तब आप कहते हैं क्लोज योर बुक, अपनी किताब बंद करो। तो ये क्लोज योर बुक की जगह पर आप क्लोज योर आइज, क्लोज योर पॉकेट, बहुत सारी जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप, यहाँ पर हम लेकिन इस्तेमाल कर रहे हैं क्लोज योर बुक, यानी अपनी बुक को बंद कर दो, पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अगला सेंटेंस है वाइप योर नोज, जो छोटे प्यारे से बच्चे होते हैं, वो जो बहुत छोटे होते हैं, टॉडलर्स होते हैं, उनको ये भी पता नहीं होता कि उनकी नाक बह रही है। तो हम उन्हें क्या कहते हैं, अपने घर पे भी अपने बच्चों को भी कह सकते हैं और स्कूल में भी कह सकते हैं कि वाइप योर नोज, नाक साफ करो या पोंछ लो। और इसके साथ साथ हम बच्चों को इंग्लिश के साथ साथ हम हाइजीन की भी बातें बताते हैं। अगला और लास्ट सेंटेंस है राइट ऑन बोर्ड, बोर्ड पर लिखो। ये जब हम बच्चों को क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो हम कोशिश करते हैं बच्चे ज़्यादा सीखें, तो जब हम उनको कहते हैं राइट ऑन बोर्ड, या मतलब आओ और बोर्ड पे लिखो, उससे क्या होता है बच्चों की प्रैक्टिस भी होती है और उन्हें याद ज़्यादा रहता है। और साथ ही साथ जब एक छोटा बच्चा दूसरे बड़े बच्चों के सामने या अपने ही क्लास के सामने बोर्ड पे लिखता है तो उसको उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो ये आप घर पे भी बच्चों को कह सकते हैं, अपने बच्चों को जब वो पढ़ा रहे हों या आप लिखा रहे हों, तो आप उनको कह सकती हैं एक छोटा सा बोर्ड खरीद के घर पे रख लीजिए और अपने बच्चों को कहिए कि आज तुमने जो सीखा है उसको बोर्ड पे लिखो और आप उसको देखें बैठ के मॉनिटर करने से बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो दोस्तों ये आज के टोटल 15 सेंटेंसेस थे और ज़्यादातर दो वर्ड्स के थे और कुछ तीन वर्ड्स के भी थे। तो ये आपको याद करने में और साथ ही साथ आपको बच्चों के साथ इस तरह से बात करने में काफ़ी आराम होगा और बच्चे बहुत ईजिली इसको सीख पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था, और जैसा मैंने आपको कहा कि अगर आपको मेरा वीडियो सच में पसंद आएगा तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, और अगर मैं देखूँगा अगर शुरू में मुझे एक दो दिन में 1000 व्यूज़ के आसपास मिलता है तो मैं ज़रूर इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा। बाकी फराह मैम तो आपके साथ हैं ही। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, अलविदा, फिर मिलते हैं, टेक केयर।